पलामू में सड़क हादसों पर लगाम नहीं लग रहा। आए दिन सड़क दुर्घटना होते रह रही हैं और दुर्घटना में कई लोगों की जहां जान जा रही है वहीं कई लोग घायल हो जा रहे हैं। मेदिनीनगर पाटन मुख्य पथ स्थित कारीहार गांव में सड़क दुर्घटना में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हिसरा बरवाड़ी के रहने वाले निरंजन पासवान और अमरेश पासवान पाटन की तरफ जा रहे थे। वहीं विपरीत दिशा से सिरमा निवासी आत्मा प्रजापति आ रहा था। कारीहार में दोनों बाइक में सीधी टक्कर हो गई जिसमें अमरेश पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं अन्य दोनों बाइक सवारों को हादसे में घायल होने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही अमरेश पासवान के परिजन मौके पर पहुंच गए। महिलाओं के क्रंदन से काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर तक आवागमन ठप हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने तत्काल हादसे में घायल लोगों को MMCH भेजा और घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर क्षतिग्रस्त हुए बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं ग्रामीणों में इस हादसे को लेकर काफ़ी आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों की माने तो बाइक सवार काफ़ी तेज गति से सड़क पर चलते हैं और आए दिन हादसा होते रहता है। मौके पर स्थानीय लोग स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे थे।